टीम इंडिया हुई वर्ल्ड कप से बाहर, दो खिलाड़ियों के करियर पर लटकी तलवार, अब कभी नहीं मिलेगा T20 में मौका, इन खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में दिया धोखा। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में 10 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस हार के बाद कुछ खिलाड़ियों पर गाज गिरनी तय है। जाहिर तौर पर इनमें उन खिलाड़ियों का नाम होगा जो मौजूदा वर्ल्ड कप में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में अब दो खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सेमीफाइनल में हार के बाद इन दो खिलाड़ियों का T20 करियर अब खत्म हो गया है और इन्हें अब कभी भी टीम में मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है ये दो खिलाड़ी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो दो खिलाड़ी जिनका T20 करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इन दो खिलाड़ियों का खत्म हुआ T20 करियर। सेमीफाइनल में मिली 10 विकेट की हार के बाद अब टीम इंडिया में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी होना तय है और इस बात की पुष्टि अब BCCI के अधिकारियों ने भी कर दी है। जिन खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी होगी उनमें सबसे पहला नाम टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का है। इस T20 वर्ल्ड कप में रविचंद्रन अश्विन ने सभी मुकाबले खेले लेकिन वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। ना तो वो रन गति पर लगाम लगा पाए और ना ही वो बीच के ओवर में विकेट चटका पाए। ऐसे में अब अश्विन का T20 की टीम से बाहर होना पूरी तरह से तय है और अब इस बात की तस्दीक खुद BCCI के अधिकारियों ने भी कर दी है। BCCI के एक अधिकारी ने बात करते हुए कहा, अश्विन ने T20 फॉर्मेट में भारत के लिए अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है। अगला T20 वर्ल्ड कप अब 2 साल दूर है। अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नई टीम तैयार होगी क्योंकि वो लंबे समय तक कप्तानी करने के दावेदार हैं। चलिए ये तो बात हुई एक खिलाड़ी की, अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की। दूसरे खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। कार्तिक ने भी इस टूर्नामेंट में कोई खास कमाल नहीं किया, हालांकि उन्हें बल्लेबाजी के मौके भी काफी कम मिले, लेकिन जो भी मौके मिले उनमें भी दिनेश कार्तिक अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। एक तो कार्तिक का प्रदर्शन, दूसरा उनकी उम्र, ये दोनों ही चीजें अब दिनेश कार्तिक के T20 इंटरनेशनल करियर के आड़े आ रही हैं। ऐसे में अब कार्तिक टीम इंडिया के लिए आपको कभी भी T20 मुकाबले खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों, BCCI के अधिकारियों ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब ना तो T20 फॉर्मेट में दिनेश कार्तिक दिखेंगे और ना ही रविचंद्रन अश्विन। वैसे भी इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस T20 वर्ल्ड कप में औसत दर्जे का रहा था। ऐसे में अब भारतीय टीम के सेलेक्टर्स इन दोनों खिलाड़ियों की जगह नए खिलाड़ियों को मौके देना चाहेंगे ताकि वो अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम को, एक नई टीम को तैयार कर सके और ये टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिता सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सेलेक्टर्स का ये फैसला सही है? क्या रविचंद्रन अश्विन और दिनेश कार्तिक को टीम से बाहर कर देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।